hello everyone in this video i'm going to share five things if you are using these five things into your speaking then this may stop you to achieve your higher bands so if you are using any of these five things you need to work on that and you need to improve let's see and let's check out what are those let's start the video first one is body movement it consists of three things facial expression Hand movement and voice pitch. If I talk about the facial expression first, then it means what is the expression of your face while delivering your message, while delivering your ideas to the other person. Like if you are delivering a good message, if you are delivering a happy message, is there any smile on your face or is there any expression on your face when you are conveying any sad message to the other person?

तो उसने सिंपली एक ही लाइन में सारा कुछ आंसर दे दिया उसने कोई अपने फेस का एक्सप्रेशन शो नहीं किया अपनी कोई स्माइल शो नहीं की अब जो दूसरा स्टूडेंट है उसने जो है वो आंसर्स एक्सप्रेशन के साथ दिए स्माइल भी फेस में आई लो एक्सप्रेशन भी आया जब रिक्वायर था अब इन दोनों स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है फर्स्ट जो है वो ऐसे लगेगा कि वो स्पीकिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है या फिर वो नर्वस है क्यों क्योंकि जब हमारा किसी चीज़ पे इंटरेस्ट ही नहीं होता

क्यों क्योंकि वो हमने अनकॉन्शियसली आंसर किया है हम उस पर इंटरेस्टेड ही नहीं थे लेकिन जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो हम बड़ा ही स्माइल के साथ उस बात को इमोशन के साथ जो है वो डिलीवर करते हैं ये सब चीज़ें आई स्पीकिंग में बहुत मैटर करती है आपकी क्या आपके फेशियल एक्सप्रेशन है उस पर आपके बैंड्स जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं बिकॉज जो एग्जामिनर है दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन बींग ये एक ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल का टेस्ट नहीं है जिसमें कि अगर आपके सेवन आ गए तो आप जितनी बारी भी एग्जाम दोगे आपके सेवन ही आएंगे ऐसा कोई रूल नहीं है सो दैट्स वाई यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो वाइल्ड वर्किंग ऑन द लैंग्वेज लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट यू नीड टू वर्क ऑन दैट बट वॉट अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन क्या आप सिंपली ही आंसर कन्वे कर रहे हो क्या आप कोई स्माइल की मूवमेंट में स्माइल कर रहे हो दैट थिंग्स मैटर्स अ लॉट नेक्स्ट वन इज़ हैंड मूवमेंट्स अब जो बच्चा नर्वस होएगा उसके तो हैंड्स या तो शेक करेंगे या फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा रहेगा उसका कोई हैंड मूवमेंट नहीं आएगा एग्जामिनर को वैसे ही पता चल जाएगा ही और शी इज हैविंग द नर्वसनेस और ये जो नर्वसनेस है ये डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इफेक्ट योर लैंग्वेज टू So, अगर आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठोगे अगर आप रिलैक्स होकर अपना एग्जाम दोगे आपके जो बॉडी मूवमेंट्स में हैंड मूवमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे आपको उस पर वर्क नहीं करना पड़ेगा ऑल दिस थिंग्स कैन बी इम्प्रूवड ओनली इफ यू आर गोइंग टू थिंक दैट दिस इज़ लाइक अ कन्वर्सेशन आप इसको ऐसे लेके चलो दैट यू आर जस्ट गोइंग टू टॉक टू योर फ्रेंड ऐसे नहीं कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ अगर एग्जाम की फीलिंग लेके आओगे तो ये चीजें चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा लेकिन अगर आप नेचुरल कन्वर्सेशन करोगे विद द द एग्जामिनर इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली ये चीजें ऑटोमेटिकली ही जो है वो अपने आप ही काम करनी स्टार्ट हो जाएंगी थर्ड वन इज वॉइस पिच वॉइस पिच ऑल्सो मैटर्स अ लॉट एंड आर स्पीकिंग जब कोई आंसर हाई पिच रिक्वायर्ड है तो आपको थोड़ी सी हाई पिच अपनी वॉइस की यूज करनी है uh, जैसे कि कोई अगर क्वेश्चन आता है डू यू लाइक आर्ट यस आई डू अब इसका ये आई डू जो है इस थोड़ा सा मैंने एम्फेसाइज किया मैंने थोड़ी सी अपनी वॉइस को इसपे स्ट्रॉन्ग रखा उसके बाद जो इसकी लेबोरेशन होगी उसको मैं थोड़ा सा लो पिच दूंगी सो आंसर को कैसे आपने हाई पिच में पकड़ना है कैसे आपने लो पिच में पकड़ना है ये भी बहुत ही मैटर करता है और आपकी जो वॉइस है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतनी लाउड होनी चाहिए कि एग्जामिनर को यू you नो know, कोई एफर्ट ना करना पड़े आपकी स्पीकिंग या आपके किसी भी वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए आई होप दिस थ्री थिंग्स आर क्लियर नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स द नेक्स्ट सेकेंड वन इज रेपिटेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट प्रोवाइड द रेपिटेटिव आंसर अगेन एंड अगेन एक ही आइडिया होता है उनके पास लेकिन क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है कि स्पेशली इन द पार्ट थ्री

ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट सेट है कि यस yes, आपको किसी आंसर को तीन या चार लाइन्स में खींचना ही है या यू हैव टू स्पीक मोर इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन सो देर इज नो एनी रूल एंड यू नीड टू प्रैक्टिस मोर कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जाम में फेस नहीं करनी पड़े सो यू नीड टू अवॉइड योर रेपिटेशन सो दैट योर बैंस कुड बी इन द सेल्फ करेक्शन एक सेंटेंस आपने बोला आपको पता चल गया कि वो सेंटेंस करेक्ट नहीं है तभी आपने दूसरा सेंटेंस बोल दिया अगर ये वाली चीज़ आप बार बार रेगुलरली अपनी पार्ट वन टू और थ्री तीनों में ही करी जा रहे हो एक आधे क्वेश्चन में करोगे डजेंट मैटर वो चलेगा लेकिन अगर एवरी टाइम यू आर डूइंग द सेम थिंग आपने कोई सेंटेंस बोला आपको याद आ गया नो इसकी ग्रामर गलत हो गई है दिस इज द राइट आंसर तो आपने वो सेंटेंस बोल दिया अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है तो इसको भी आपको वर्क करना पड़ेगा डू योर रिकॉर्डिंग ट्राई टू लिसन य चेकआउट वेदर यू आर डूइंग दिस मिस्टेक or not if not well and good but if yes then then work on this and try to improve many students just memorize the questions of part 1

रूरल एग्रीमेंट सब्जेक्ट इन वर्ब एग्रीमेंट ही के साथ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि भाई डज लगता है डू नहीं लगता ही डू दिस वर्क ये सेंटेंस ही गलत है क्योंकि इसकी यू you नो know, अगर सेंस ही जो है वो नहीं बनती ही के साथ ही आता है सो दिस इज़ द रूल सब्जेक्ट एंड वर्ब की तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है बहुत बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, ये जो कॉमन मिस्टेक की जाती है ट्राई टू अवॉइड दिस मिस्टेक इन टू योर स्पीकिंग अगेन अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हो देन यू आर गोइंग टू चेक यूर सेल्फ कि ये मिस्टेक आप में है या नहीं और देन यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग्स सो इन दिस वीडियो दिज वर द फाइव थिंग्स विच यू need to work if you are having any of these things i hope this video may help you to improve your bands stay connected with me for more updates and more video if you like it then don't forget to share subscribe and like my video